अब तो कांग्रेस की आंधी पहले थी, अब तूफान बन गया, और भारतीय जनता पार्टी और इनेलो पूरी साफ होती हुई दिख रही है। आज 32 कार्यक्रम 32 गांवों में हमारे एलनाबाद के कार्यक्रम है, और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जज्बा और जुनून। ये छोटा सा गांव है लेकिन पूरा गांव एक तरफा आज उठ करके आया हुआ है, और शुभ संकेत है और वो असर दिखता है यहाँ पर। और यहाँ कोई बावड़ा नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ भाजपा के लोगों को कि यहाँ किसान मजदूर हैं लेकिन कोई बावड़ा नहीं है, और वो उनको चुनाव में समझ में आएगा। देखिए पिछली बार तो झूठ की आंधी चल रही थी और लोगों को लगता था 15 लाख रुपए आएंगे, किसान की आय दुगनी होगी, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होगी, नौजवान को हर नौजवान को रोज़गार मिल जाएगा। तो जितनी बड़ी झूठ बोली उतनी बड़ी इस बार हार होगी। भाजपा ने झूठ झूठ से सत्ता हासिल की और इनेलो इस इलाके में बिल्कुल मृत प्राय हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि जिसका प्रत्यक्ष तौर पर फ़ायदा इलाके की जनता को मिलेगा और कांग्रेस के माध्यम से मिलेगा। क्या फाइट मान रहे हैं? बहुत दूर है फाइट में, कहाँ पड़े हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ये वाला नारा चल रहा है। तो सब बड़े बड़े स्टार प्रचारक आएंगे, चिंता मत। नहीं, लिस्ट तो 40 लोगों की होती है जो इलेक्शन कमीशन से अप्रूव होकर के आती है, और जिनका असर हरियाणा की राजनीति पर है, जिनके आने से जो वोट है वो और मजबूत होगा कांग्रेस के पक्ष में, उन सब नेताओं को स्टार प्रचारकों को हम लाने का काम करें। मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, सब बड़े नेता हरियाणा के दौरा करेंगे, उनका तोड़ निकालने के लिए आपके पास केंद्रीय नेतृत्व से कौन कौन? हमारे पास उनके बाबू हैं सारे बापू सारे हैं। राहुल गांधी उनका बाबू, सोनिया जी, प्रियंका जी, मनमोहन सिंह जबरदस्त आदमी, पूरा देश आगे बढ़ा दिया। तो ये सारे लोग आएंगे, और भी बहुत स्टार प्रचारक हैं जो असर रखते हैं अपना, उनको सबको लेकर के कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरेगी। क्या स्थिति रहेगी हरियाणा में कांग्रेस की? हरियाणा में 10 की 10 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी, और 11वीं चंडीगढ़ की सीट भी जो आधी हरियाणा की है उसको भी हम जिता करके लाएंगे।